आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है और महागठबंधन विपक्ष के रूप में खड़ी हुई है, तब से लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां एनडीए की नई सरकार बनने के बाद विपक्ष के रूप में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल अकाउंट से एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत कुछ बोला। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर बैक टू बैक दो पोस्ट शेयर किए हैं। हालांकि अपने पोस्ट में वो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम का जिक्र नहीं किया। एक्स पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जिसकी खुद की गाड़ी हमेशा जुगाड़ के दम पे चलती है, रेस में अक्सर जिसके टायर पंचर हो जाते हैं, पहला पायदान जिसके नसीब में नहीं, तीसरे पायदान पर खड़े रहना जिसकी मजबूरी है, उसे रेस के अगुआ को एक सीट भी नहीं मिलेगा, ये कहते देख जोरदार हंसी आती है। एक अन्य पोस्ट में रोहिणी आचार्य बिना नाम लिए नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए लिखा है कि अरे जनाब, दम है तो अकेले अपने दम पर अपनी किस्मत आजमा कर देख लो, कौन कितने पानी में है, और इसके साथ साथ अपनी असलियत और औकात का भी पता चल जाएगा। आप हमारे स्क्रीन पर रोहिणी आचार्य के वो दोनों ट्वीट जो है वो देख रहे हैं। दूसरी ओर आपको बताते चलें कि जन विश्वास यात्रा पर निकले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बूढ़े हो गए हैं कहा है, न केवल उम्र के मामले में बल्कि अपनी मानसिकता के मामले में भी। उन्होंने 10 लाख नौकरी के अपने वादे पर काम करवाया, जब उन्होंने हमें धोखा दिया तब हम अपने इस अभियान के आधे रास्ते में थे। तेजस्वी यादव आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार किसी भी दृष्टिकोण से बिहार पर शासन कर रहे हैं और या वो बिना किसी कारण के पाला बदलते रहते हैं, इससे राज्य का भला नहीं होने वाला। मैं आपके पास राजनीतिक बीमा मांगने आया हूं, मुझे 5 साल के लिए सरकार बनने पर मदद करें और राज्य का मैं काया पलट कर दूंगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, जन यानी कि लोगों का विश्वास जीतने में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया अकाउंट पर नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हट रही हैं। एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार का बगैर नाम लिए उन इशारों में सब कुछ बोल दिया है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि अगर दम है तो अकेले लड़ कर दिखाएं, तब हम जाने। एक तरफ आपको बता दें कि जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में खत्म हुई और एनडीए की नई सरकार बनी है, तब से तेजस्वी यादव हो या फिर रोहिणी आचार्य हो, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कल तक जो नीतीश कुमार को बोल रहे थे, कल तक नीतीश कुमार पर टिप्पणियां कर रहे थे, आज वो नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना।